हूँ जहाँ पे नीम करोली बाबा को जो सिद्धि प्राप्त हुई थी वो यही आश्रम है। आप देख सकते हैं बाबा की बचपन की जो फोटो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज मैं पहुँचा हूँ फरुखाबाद से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे, एक रेलवे स्टेशन है नीम करोली। देख सकते हैं आप, ये वो रेलवे स्टेशन है जो एक बहुत ही अद्भुत कहानी है इस रेलवे स्टेशन के पीछे, और उस कहानी को आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ, पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ कि आखिर इस रेलवे स्टेशन का जो नाम है नीम करोली क्यों पड़ा, और नीम करोली के नाम से आपको एक कैंची धाम है जो उत्तराखंड में, वो भी आपने सुना होगा। तो इस रेलवे स्टेशन की कहानी ऐसी है, जो नीम करोली कैंची धाम वाले जो बाबा थे जिनका नाम था लक्ष्मण दास, नाम से जो रेलवे स्टेशन है ये देख सकते हैं बाबा लक्ष्मण दास पुरी, ये रेलवे स्टेशन उन्हीं के कहने पे ये रेलवे स्टेशन बनाया गया था। हालांकि यहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन नहीं था, जो नीम करोली रेलवे स्टेशन था वही रेलवे स्टेशन था। घटना ये घटित हुई थी कि एक बार बाबा ट्रेन से गुजर रहे थे और वो एसी कोच में बैठे हुए थे बिना टिकट के, तो टीटी जो था वो नीम करोली रेलवे स्टेशन पे टिकट चेक कर रहा था और उनके पास टिकट ना होने के कारण बाबा को ट्रेन के नीचे उतार दिया गया। और जब वो नीचे उतर गए तो वो पास के ही एक वृक्ष के पास नीचे बैठ गए, और बैठने के बाद ट्रेन का टाइम हुआ और हरी झंडी दिखाई गई, लेकिन ट्रेन अपनी जगह से पिद्दी भर भी नहीं बढ़ी। इस वजह से बहुत जितने रेलवे के कर्मचारी थे परेशान हो गए कि ट्रेन आखिर क्यों नहीं बढ़ रही है। तो बहुत सारे लोगों ने इस बारे में काफ़ी देर तक चर्चा की, और बाद में लोगों ने बताया कि अपने जो इस बोगी में साधु बैठा हुआ था उसको उतार दिया है, शायद उसके अपमान के कारण ये ट्रेन ना चल रही हो। तो इसके बाद में बहुत सारे जो कर्मचारी थे बाबा के पास गए, नीम करोली बाबा के पास, और उनसे प्रार्थना की और बोला कि जो हमसे गलती हुई है हमें क्षमा कर दीजिएगा और आप ट्रेन में चल के बैठिएगा। फिर वो जब ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन चलती है, और उनकी दो शर्तें थीं। उनका ये कहना था कि साधुओं की इस तरीके से बेइज्जती ना करें कभी भी, और दूसरी उनकी ये मान्यता थी कि उन्होंने कहा थी कि हमारे नाम से एक रेलवे स्टेशन हमारे गांव के पास जरूर बना दीजिएगा जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। तब ये रेलवे स्टेशन यहाँ पे बनाया गया था। ये एक लोकल रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे सिर्फ 3-4 ट्रेनें गुजरती हैं, वो भी पैसेंजर होती हैं। पास में ही ये गाँव है जो नीम करोली गाँव है, इसी गाँव से बाबा लक्ष्मण दास जी को नीम करोली नाम पड़ा था, और यहीं पे वो हनुमान जी का मंदिर है, और यहीं पर ही नीम करोली धाम है जहाँ से बाबा लक्ष्मण दास जी को सिद्धि प्राप्त हुई थी, और उसके यहाँ से जाकर उत्तराखंड में कैंची धाम नाम से उन्होंने एक आश्रम बनाया था जहाँ पर वो काफ़ी समय तक रहे थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ का आपको धाम दिखाने वाला हूँ जहाँ पर बाबा ने सिद्धि प्राप्त की थी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड में नीम करोली बाबा। दोस्तों ये वही रेलवे स्टेशन है जहाँ पर नीम करोली जो कैंची धाम में बाबा हैं जिनका आश्रम है उनको इसी जगह पे उतारा गया था, और जब उनको उतार दिया गया था ट्रेन से क्योंकि उनके पास टिकट नहीं थी, तो फिर उसके बाद में ट्रेन वहीं की वहीं रुक गई थी। ये वही जगह है आप देख सकते हैं, और ये वो जो प्लेटफॉर्म है देख सकते हैं, ये वही पुराना प्लेटफॉर्म है आप देख सकते हैं, इसी जगह पे उन्हें उतारा गया था। और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे वो जगह है जहाँ पर वो चले गए थे बैठ गए थे, और उसके बाद जो ट्रेन है और हरी झंडी भी मिल गई थी लेकिन ट्रेन अपनी जगह से नहीं हिली थी, वो यही जगह है दोस्तों। उस समय क्या था कि ये हाई टेंशन जो लाइट वाली और डीजल वाली ट्रेनें नहीं चलती थी, कोयला और भाप वाली जो थी वो ट्रेनें चला करती थी। तो बाबा बिना टिकट बैठ गए थे, इस वजह से टीटी ने उन्हें उतार दिया था, वो यही जगह है आप देख सकते हैं दोस्तों। पुराना रेलवे स्टेशन आज भी उपस्थित है, कुछ इस तरीके से है, और जो नया रेलवे स्टेशन है वो बन गया है, वो देख सकते हैं आप वहाँ पर। और अभी बज रहे हैं 4, यहाँ पे लगभग 4-5 ट्रेनें गुजरती हैं। एक यहाँ पे डेली गुजरने वाली जो ट्रेन है वो है कालिंदरी, और 2-3 जो पैसेंजर गुजरती हैं। और ये स्थान जो है फरुखाबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है, और फरुखाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, फरुखाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है। तो चलिए मैं आगे के जो वो स्थान है जहाँ पर बाबा गुस्से में जाके बैठ गए थे, और उसके बाद बाबा की कुछ शर्तें थी जो उन्होंने टीटी को कही थी, तो चलिए मैं वहाँ पे चलता हूँ
और आगे की वीडियो में बने रहें, चलते हैं दिखाते हैं वो स्थान। दोस्तों, जो उत्तराखंड के अंदर कैंची धाम है, नीम करोरी बाबा का जो आश्रम है, उसी के नाम पे ये रेलवे स्टेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है, बराबर आप पढ़ सकते हैं, नीम करोरी। तो दोस्तों, अभी मैं उस जगह पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पे नीम करोली बाबा को जो सिद्धि प्राप्त हुई थी वो यही आश्रम है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो हनुमान जी की मूर्ति है वो बहुत ही भव्य और बहुत ही पुरानी है। जो नीम करोली बाबा थे वो इसी स्थान पे आए थे, और जो ये गांव है जहाँ पे ये धाम बना हुआ है, इस गांव का जो नाम है वो है नीम करोली गांव। और इसी जगह से बाबा को सिद्धि प्राप्त हुई थी, और उसके बाद में काफ़ी दिनों के बाद वो उत्तराखंड में जो कैंची धाम है वहाँ पर भी बहुत दिन रुके हैं, और वहाँ पर उनको जो एप्पल के ऑनर हैं स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग जैसे बड़े बड़े जो विदेशी हैं वो पर्यटक वहाँ पे आया करते हैं आए दिन। और ये देख सकते हैं जो धाम का जो मेन द्वार है, मैं वहाँ पे हूँ। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको नीम करोली बाबा की जो बचपन की फ़ोटो है वो सारी दिखाऊंगा, और उसके बाद में वो जो हनुमान जी की बहुत ही पुरानी मूर्ति है वो सब दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और आपने जो कैंची धाम है तो उम्मीद है वो देखा ही होगा, क्या ये धाम आपने अच्छे से देखा है या नहीं, वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। अगर आप कैंची धाम गए हैं तो एक बार यहाँ भी आइए, क्योंकि यहाँ पे जो नीम करोली बाबा हैं उनको यहीं पे सिद्धि प्राप्त हुई थी, और ये वही धाम है, और ये सबसे पुराना धाम है और काफ़ी विशाल है। तो चलिए पहले मैं आपको ये मंदिर दिखाता हूँ अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं चलूँगा गाँव की तरफ। दोस्तों, अभी धाम के अंदर मैं आ चुका हूं, और अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक मंदिर इस साइड है और एक ये है। यहां पे देख सकते हैं बहुत सारे जो झंडे हैं वो लगे हुए हैं, और इस वाले मंदिर के अंदर बाबा जी की जो मूर्ति है वो स्थापित है। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो इधर एक हवन है, और वो एक नई बिल्डिंग जैसी दिख रही है, वहाँ पर एक मंदिर बन रहा है राधा कृष्ण जी का। तो अभी मैं उस जगह चलने वाला हूँ जहाँ पर हनुमान जी की बहुत ही पुरानी मूर्ति है, जहाँ पर बाबा जी हनुमान जी की सेवा करा करते थे किसी वक्त। तो अभी हम चलने वाले हैं और आपके दर्शन कराने वाले हैं, वीडियो में बने रहें, और आगे चल के मैं हनुमान जी के आपके दर्शन कराता हूं, जो बहुत ही पुरानी मूर्ति है। यहां पे कुछ पर्व वगैरह है कुछ, तो जिस वजह से सजावट वगैरह हो रही है आप देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं बाबा की बचपन की जो फ़ोटो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। आप भी दर्शन कर लीजिएगा हनुमान जी के, बहुत ही पुरानी यह मूर्ति है हनुमान जी की। बाबा नीम करौली यहीं पे पूजा अर्चना किया करते थे, और यहीं से बाबा जी को सिद्धि प्राप्त हुई थी। गाँव वालों का कहना है कि बाबा जी जब यहाँ से गए थे उसके बाद दोबारा कभी यहाँ पे नहीं आए हैं वो। और उनका जो एक धाम और है जो उत्तराखंड के अंदर बना हुआ है, कैंची धाम के नाम से जाना जाता है, वो भी नीम करोली बाबा का ही है। जो उनका असली धाम था वो यही था। अभी देख सकते हैं जो पर्दा है वो लगा दिया गया है, और इधर भजन कीर्तन हो रहे हैं, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, इधर एक शिवलिंग है, ये देख सकते हैं, और काफ़ी भव्य ये धाम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। ये देख सकते हैं बाबा की बहुत सारे यहाँ पे जो फ़ोटो है वो बनी हुई हैं। जय हो नीम करोली बाबा की। और ये देख सकते हैं बाबा की जो तस्वीर है वो यहाँ पर भी लगी हुई है, जिसमें बाबा जी लेटे हुए हैं, और एक ऊपर की साइड आप देख सकते हैं। तो अगर एक हिसाब से कह सके तो ये असली धाम है, जो सबसे पहले जहाँ पर बाबा आए थे, और जहाँ से उन्होंने
प्राप्ति विद्या प्राप्त की और उनको जहाँ से सिद्धि प्राप्त हुई यही धाम है, यही से नीम करोरी बाबा का जो नाम है वो लक्ष्मण दास से नीम करोरी बाबा पड़ा था इसी जगह से, क्योंकि इस जगह का जो नाम है वो नीम करोरी गांव है और उसी गांव के अंदर ये धाम जो है स्थित है। और ये लगभग जो हम उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे ये धाम है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बाबा नीम करोरी जी की जो मूर्ति है वो इस वाले मंदिर के अंदर स्थापित की गई है, आप देख सकते हैं ये है। अगर दोस्तों वीडियो में किसी भी तरीके की अगर त्रुटि हो जाए तो दोस्तों क्षमा करना, और किसी भी तरीके की अगर इस वीडियो से कोई बात होती है तो हम वीडियो हटा देंगे, और किसी भी तरीके की कोई लोगों को इस वीडियो से दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, इस वीडियो को हम हटा देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। यही पूरा धाम है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही भव्य और बहुत ही पुराना ये धाम है नीम करोरी बाबा जी का। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी जो नीम करोरी बाबा की फोटो हैं वो बहुत सारी हैं, जो कि कुछ यहाँ की भी हैं और कुछ कैंची धाम जो है उत्तराखंड में वहाँ की है। जैसे ये वाली देख सकते हैं, ये जो झरने के पास बैठे हैं बाबा वहाँ की फ़ोटो है, और कई सारी फ़ोटो हैं जैसे ये वाली, ये देख सकते हैं अलग अलग फ़ोटो बहुत सारी हैं, ये देख सकते हैं, और ये बहुत सारी फ़ोटो हैं आप देख सकते हैं दुकानों पे, यहाँ से भी ले सकते हैं और वहाँ पर भी ऐसी फ़ोटो हैं वहाँ से भी ले सकते हैं। और ये है वो धाम जो सबसे पुराना है, और अभी हम इसके अंदर चलने वाले हैं और आपको भी बाबा की जो बचपन की फ़ोटो है वो दिखाएंगे, और उसके बाद में जो यहाँ पे बहुत ही पुराने हनुमान जी की मूर्ति है वो भी आपको दर्शन कराने वाले हैं। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं और अंदर से आपको पूरे दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो में कोई त्रुटि हो तो प्लीज़ क्षमा करें। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी नीम करोरी बाबा की? अगर आप कैंची धाम घूमने के लिए गए हैं तो एक बार ज़रूर यहाँ घूमने के लिए आए, यहाँ भी बहुत ही आपको सुकून मिलेगा और यहाँ भी बहुत बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते रहते हैं। तो कमेंट में एक बार जय नीम करोरी बाबा ज़रूर लिखें, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो हम और बना सकें।